सवाल है, क्या मुज्तहद से मुकल्लिद दलील तलब कर सकता है? नहीं, दलील तलब करने का कोई हक नहीं है। तकलीद क्या है? अल अमलो बेकाउल गैर में गैर मुतालबतक दलील, मुतालबा दलील का नहीं किया जा सकता, उसके कौल पर अमल करना ज़रूरी है। लिहाजा फ़ुरूए दीन में दलील का पेश करना ज़रूरी नहीं। मैंने जान काफ़ी है, यकीन भी काफ़ी है, लेकिन उसूल दीन में, उसूल ईमान में, उसूल इस्लाम में चूँकि यकीन पैदा करना ज़रूरी है, इसलिए तकलीद जायज़ नहीं है। दलाइल से साबित करना के तौहीद बर हक है, अल्लाह की अदालत बर हक है, पैगंबर अकरम की रिसालत और ख़त्म नबूवत बर हक है, अली और औलाद अली की क़यामत इमामत बर हक है, और अकीदा क़यामत बर हक है, फिर दलाइल से साबित करना का पड़ेगा। दलाइल कुरान से माफूज हों, माफूज हों, या अक़्ल सलीम का तकाजा हो, या सुन्नत मुस्तफ़िया के मुताबिक हों। अलगरज उसूल दीन में मौसूल दीन दर दलील दरकार होती है, और फ़ुरूए दीन में तकलीद भी काफ़ी है, एहतियात भी काफ़ी है, अमल फिर एहतियात भी काफ़ी है, उसमें यकीन और इल्म ज़रूरी नहीं है।